Hi students of 9th class, welcome back. We have been studying about Bismillah Khan's Sharnai. Now look at paragraph number 11. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, that is the Bharat Ratna. In 2001, Bismillah Khan was awarded what? India's highest civilian award, that's the Bharat Ratna. With the coveted means a much desired award, resting on his chest, unke chest mein wo award wo symbol laga ke, much coveted, desired award resting on his chest, and his eyes glinting, shining with rare happiness. Bahut ek ajeeb khushi se wo bol rahe. All I would like to say, main itna batana chahta, teach your children music. Aapke bachchon ko music sikhata. This is Hindustan's richest tradition. ये हमारा richest परंपरा है. Even the West is now coming to learn our music. West पश्चिमी देशों से भी लोग आते हमारा भारत की क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए. So teach your children music. Not only that, music has some special power also. कुछ शक्ति भी है म्यूजिक के अंदर. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, प्यार से सभी लोगों को खान साहब नाम से बुलाते थे, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. ये दो एरिया से इनका दिल इतना जुड़ा हुआ था. What were they? Banaras and Dumrao. And they remain for him the most wonderful towns of the world. उनके लिए दुनिया के सबसे wonderful town थे खान साहब के लिए ये दो शहर. ये students of his once wanted him to head a Chennai school in the USA. इनका एक student अमेरिका में एक Chennai school का हेड का पोजीशन के लिए इनको बुलाया. सर अब आइए हमारा शर्मा स्कूल में, आप हेड पोस्ट में बैठ लीजिए. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग इमिटेटिंग कॉपीइंग द टेम्पल्स देयर. सर मैं आपको बनारस का पूरा माहौल वहां पे आपको बना के दूंगा. Copying each and every item there. वहां का मंदिर भी मैं आपको बना के दे दूंगा. क्योंकि बिस्मिल्लाह खान से बताया था that he had an attachment with the temples in Banaras. सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये सभी वादावर में आपको वहां पे बना के दूंगा. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport रिवर गंगा as well. ठीक है क्या तुम गंगा नदी को भी ला सकते हैं? ये सवाल के ऊपर वो स्टूडेंट बिल्कुल चुप हो गया. That is impossible. Later he is remembered to have said, बाद में we remember that he said, that is why whenever I am in a foreign country, जब मैं एक फॉरेन कंट्री में होगा, I keep yearning. Yearning means to desire the most. ज्यादा से ज्यादा इच्छा करना तो सी हिंदुस्तान. क्योंकि गंगा नदी से बनारस की टेम्पल से इनका माइंड इतना अटैच है. That is why when I am in foreign countries, I have such an yearning to see हिंदुस्तान. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga.
जब मैं मुंबई में होगा तभी भी मेरा दिमाग में ये चीज है, बनारस एंड पवित्र गंगा नदी. एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव. मैं जब बनारस में होगा आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव. मतलब ये दुमराव के मठा से और बनारस की टेम्पल से गंगा नदी से इनका अटैचमेंट इतना गहरा था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल. एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. वन दैट एफर्टलेसली इजिली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मीन्स रिलीजियस मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. आप जस्ट सोच के देख लीजिए, एक डिवाउट मुस्लिम, एक कट्टर रिलीजियस मुस्लिम लाइक हिम प्लेइंग शरणाई एवरी मॉर्निंग इन द काशी टेम्पल ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल. जस्ट सोच के देख लीजिए, ए ग्रेट डीड वन विल नेवर फॉरगेट इन वन्स लाइफ. ऐसी बात कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं एक ऐसा कलाकार के बारे में. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे, डाइड ऑन 21st August 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलोंग्ड लंबा इलनेस. ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. स्टेट की तरफ से इनको एक ऑफिशियल फ्यूनरल, स्टेट फ्यूनरल दे दिया, क्योंकि जिनको ये भारत रत्न अवार्ड होते हैं, वो बड़े बड़े अवार्ड होते हैं, दे विल बी गिवन स्टेट फ्यूनरल, एक स्पेशल फ्यूनरल. नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे हॉलिडे एज नेशनल मॉर्निंग, मॉर्निंग शोक करना. इनका डेथ के ऊपर वन डे नेशनल मॉर्निंग भी डिक्लेयर कर दिया. So I think you have got a clear picture about Bismillah Khan's life and his love towards Shehnai and his achievements that he obtained in his life. So let us continue the next lesson in the next class. Thank you. Thank you very much.